हेलो एवरीवन मेरा नाम रजत है मैं अडोबी कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर काम करता हूं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू टेस्ट डेस्कटॉप एप्लीकेशन इससे पहले हम समझ लेते हैं वट आर द डेस्कटॉप एप्लीकेशन सो द एप्लीकेशन दैट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर ऑन योर लैपटॉप सिस्टम्स हैविंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग द ई एक्सी और डी एम जी और डी ई बी फाइल्स कोई भी एप्लीकेशन जो आपके सिस्टम या आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल हैं जिस सिस्टम के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डिफरेंट डिफरेंट लैपटॉप या कम्प्यूटर में हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यदि आपके पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं सो so अगर आप चेक करेंगे आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन को तो so उनका एक्सटेंशन आपको डॉट ई एक्ससी फाइल मिलेगा आपको फॉर एग्जाम्पल मैं अभी जो एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है यदि आप इसके अंदर चेक करेंगे कोई भी एक एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन है यदि आप इसके प्रॉपर्टी में जाते हैं राइट क्लिक करके थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसके अंदर प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद अगर आप इसका एक्सटेंशन चेक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं सो डोट ई एक्स ई फाइल यहाँ पे लिखा रहा है सो so, ये था आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यदि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वहां पे डेस्कटॉप uh, एप्लीकेशन का जो एक्सटेंशन मिलेगा आपको वो डॉट डी फाइल मिलेगा आपको एंड फॉर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन का एक्सटेंशन मिलेगा आपको डॉट डी फाइल्स एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट भी अवेलेबल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फॉर एग्जाम्पल पेंट या अगर आप चेक करेंगे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सो एज जो ब्राउजर है वो आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से डेस्कटॉप एप्लीकेशन को स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी बोला जाता है एंड ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन के फॉर एग्जाम्पल ब्राउजर क्रोम एज या डिफरेंट ब्राउजर जो आप यूज कर सकते हैं एक ऑपरेटिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो आपके सारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंडर में आएंगे लाइक like अगर आप इक्लिप्स यूज करते हैं जावा या ऑटोमेशन के लिए तो वो भी आपका एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है यदि मैं बात करूं कि हाउ टू टेस्ट द डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें कुछ डेस्कटॉप एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट मिलते हैं अदर हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं फॉर एग्जाम्पल यदि आपके पास क्रोम एप्लीकेशन नहीं है सो so वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा क्रोम डेस्कटॉप एप्लीकेशन सो उसके लिए हमें जो टेस्ट करना है पहले हम चेक करेंगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस कि क्या हम उस एप्लीकेशन को उस डेस्कटॉप एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं इसके बाद हम मूव करते हैं इन केस अगर आपका कोई भी इश्यूज वहां पे मिलता है तो हम डेफिनेटली उसको रिपोर्ट कर पाएंगे ये आपका इंस्टॉलेशन टेस्टिंग के अंदर में आएगा इसके बाद आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्टिंग है अन टेस्टिंग यदि आपने कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया तो अगर आप उसे अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो क्या वो प्रॉपर तरीके से अनइंस्टॉल हो रहा है या नहीं हो रहा वो भी हम उसकी भी हम टेस्टिंग करेंगे जो भी उसकी फाइल्स बनी है क्या वो डिलीट हो रही है या नहीं हो रही है तो वो सब डिटेल हम अनइंस्टॉल टेस्टिंग अंदर चेक करेंगे देन हम चेक करेंगे फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन हमने डेस्कटॉप एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया इंस्टॉल करने के बाद हम ट्राई करेंगे उसको यूज करने का उसकी जो फंक्शनैलिटी है क्या वो प्रॉपर तरीके से काम कर पा रही है एज पर द स्पेसिफिकेशन और नॉट सो ये ये सब हम कवर करेंगे फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्टिंग है कम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग है कंपेटेबिलिटी टेस्टिंग कंपेटिबिलिटी का मतलब है कि आपका जो एप्लीकेशन है जो आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन है क्या वो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट एनवायरमेंट को सपोर्ट करता है या नहीं करता क्या आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है या नहीं करता क्या डिफरेंट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है नहीं करता तो so ये सब हम टेस्ट करेंगे कंपेटिवलिटी टेस्टिंग के अंदर फॉर एग्जाम्पल यदि आपका ये एक ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यदि वो आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है सो so, आप चेक करेंगे कि आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या विंडो पर वर्किंग है प्रॉपर तरीके से या नहीं है उसी एप्लीकेशन को हम चेक करेंगे क्या वो मैक विंडो सॉरी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्किंग है या नहीं है इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे सेम अगर हम अभी अगर हम विंडो 11 अभी यूज कर रहे हैं तो हम उसको चेक कर सकते हैं कि क्या विंडो 10 के अंदर भी ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है कम्पैटिबिलिटी टेस्टिंग के लिए हम वर्चुअल इन्वायरमेंट यूज़ कर सकते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट का मतलब ये है फॉर एग्जाम्पल यदि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है सो so आपको चेक करना है फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अबंतु में चेक करना है सो so इसके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट वर्जन के लिए आप एक डिफरेंट लैपटॉप या सिस्टम परचेज करें सो so इसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्चुअल इन्वामेंट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्चुअल इन्वायरमेंट है मैं यहाँ पे आपको एक दिखा देता हूँ वर्चुअल बॉक्स ये एक एप्लीकेशन है जिसपे आप डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी अदर सिस्टम एनी अदर लैपटॉप ये आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम के अंदर उसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मैं आपको ये ओपन करके दिखा देता हूं इसमें आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा यहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं यदि मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट की बात करूं तो जस्ट ए सेकेंड लाइक ये देखो फॉर एग्जाम्पल यदि आपको यूज करना है वर्चुअल बॉक्स ये अगर आपको मैक यूज करना है तो ये मैक का आपका स्क्रीनशॉट है किस तरीके से आपको वो दिखेगा आप ये देख सकते हैं यानी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका विंडो ही रहेगा बट उसके अंदर आप एक वर्चुअल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर पाएंगे सो so, यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स एक एप्लीकेशन है जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन में देन इसके बाद आपको जो भी एनवायरमेंट जो भी ऑपरेटिंग uh, सिस्टम आप यूज करना चाहते हैं वो आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे आप लिनक्स भी यूज कर सकते हैं मैक भी यूज कर सकते हैं वो डिफरेंट वर्जन सो so, ये सब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं अबंतु भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं सो so, ये आपका वर्चुअल बॉक्स एक एप्लीकेशन जिसको आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप यूज कर सकते हैं सो so, ये था आपका कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग इसके बाद हम बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन मैटर्स यानी जो भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है आपका उसकी हम परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे वहां पे लाइक जब आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन को ओपन करने का ट्राई कर रहे हैं तो कितना टाइम लगता है उसको ओपन होने में या जो भी उसकी यू है क्या वहाँ पे डिटेल शो होने में कितना डिले तो नहीं है क्या कितना टाइम लग रहा है वहाँ पे स्पीड कितनी है तो ये सब हम चेक करेंगे परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर या फिर हम इस अगर हम एक, एक एप्लीकेशन के ऊपर ट्रैफिक को इंक्रीज करते हैं देन उसका स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है सो तो ये सब हम टेस्ट करेंगे परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन है वो आपका कितना रिसोर्स लग रहा है फॉर एग्जाम्पल वो रैम कितना कंज्यूम कर रहा है सीपीयू कितना कंज्यूम कर रहा है सो so, ये सब भी हम टेस्ट करेंगे डेस्कटॉप uh, एप्लीकेशन की टेस्टिंग के अंदर इसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि जो भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है आपका क्या उसको हम ऑटोमेट कर पा रहे हैं सो so, ऑटोमेट करने के लिए आप डिफरेंट टूल्स uh, आप यूज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल यदि आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज करना सॉरी uh, टेस्ट करना है ऑटोमेशन टेस्टिंग के थ्रू सो so, आप यू या टेस्ट कंप्लीट या विनियम आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे यू एफ टी एंड टेस्ट कंप्लीट ये आपका पेड पेड ऑटोमेशन टूल है एंड विनियम एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल है यदि आप फ्री ऑफ कॉस्ट या विदाउट पेइंग एनी मनी आप अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं या ऑटोमेट करना चाहते हैं तो वहां पे आप विनियम ऑटोमेशन टूल आप यूज कर सकते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए हम सेलेनियम यूज नहीं कर सकते यहाँ पे जो सेलेनियम है वो सिर्फ आपका वेब एप्लीकेशन के लिए है यदि आपकी कोई वेब कोई एप्लीकेशन है जो आपकी वेब पे है या, या लाइक वेबसाइट है आपकी सो वहाँ पे आप सेलेनियम आप यूज कर सकते हैं सो ये था आपका ऑटोमेशन टेस्टिंग की हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन की ऑटोमेशन टेस्टिंग कर सकते हैं ये भी हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग भी हम परफॉर्म करते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए जो कॉमन है लाइक like, लाइक सैनिटी टेस्टिंग स्मोक टेस्टिंग रिग्रेशन टेस्टिंग री टेस्टिंग सो ये ये सब टेस्टिंग भी हम परफॉर्म करते हैं जो कॉमन है इधर वो आपका आपका वेब एप्लीकेशन हो या डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो वो हम आ, टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो या वेब एप्लीकेशन हो सो so, ये था आपका पूरा डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होता है कैसे हम उसको टेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट को या डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे यूज कर सकते हैं वर्चुअल एनवायरमेंट की मदद से सो so, यदि आपको इस वीडियो में या इससे पहले की वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं या फिर आप मुझे लिंकड इन पर भी मैसेज कर सकते हैं मैं डेफिनेटली वहाँ पर आपकी हेल्प कर पाऊंगा इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ